गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रोहित एंड आप देख रहे हैं ब्लॉगर रोहित भारद्वाज चैनल। सो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए कैंपिंग सेटअप का ये ट्यूटोरियल। सो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंपिंग का सेटअप कैसे करते हैं, कैंप किस जगह पे लगाया जाए और कौन सा कैंप लिया जाए। तो इस ब्लॉग में आपको ये सब जानने को मिलेगा, लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। सो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों कैंपिंग के लिए सबसे पहली टिप आपके लिए ये रहेगी कि जो नीचे का बेस का एरिया होता है कैंप का, उसके लिए प्लेन सरफेस चाहिए। ऐसा जैसा आप नीचे देख सकते हो, मेरे पूरा प्लेन एरिया होना चाहिए। डिकैथलॉन का कैंप है मेरे पास, कैंप का मॉडल का नाम है MH100, 2% का टेंट है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है देखते हैं। तो दोस्तों हमें इसमें इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कुछ, आप देख सकते हो, इसको देख के आप कुछ आइडिया ले सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो। बाकी फ़िलहाल मैं इसको साइड में रखता हूँ और अंदर देखते हैं। ये एक कवर मिल जाता है रेन प्रूफिंग के लिए और ये हैं स्टिक्स, अभी हम इसको दिखाते हैं। और इसमें ये क्या है, यहाँ पर मिल जाते हैं कॉर्ड्स हैं। ये हमारा कैंप है, मेन कैंप यही है दोस्तों, इसको अभी रखते हैं, खोलेंगे। और यहाँ पर कॉर्ड्स मिल जाती हैं, मेटल्स के बैग हैं दोस्तों ये। और ये हैं कॉर्ड्स और ये हमारा कवर, इसको रखते हैं साइड में। ओपन करेंगे अब टेंट को, कैंप को ओपन करते हैं गाइस। सो दोस्तों इसमें बेसिक रूल ये है स्टिक्स लगाने का कि हम क्रॉसिंग में लगाएंगे, पहले हम स्टिक्स को जोड़ लेते हैं लाइन से, फिर इन्हें डायगोनली लगाएंगे क्रॉसिंग में। और यहाँ पे इसमें दिया रहता है लगाने के लिए साइड साइड्स में, आप देख सकते हैं, एक लास्ट में लगाएंगे हम। दोस्तों अब इसे सेंटर से हम क्लिप लगा देंगे, जो कैंप का क्लिप है सेंटर का, वहाँ से हम इसे स्टिक कर देंगे ताकि हमारा ये कैंप स्टेबल हो सके। देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा दिखेगा। साइड साइड में जो क्लिप हैं वो भी लगाएंगे। तो दोस्तों हम ऐसे यहाँ पे ये लगाएंगे क्लिप्स इसकी, ऐसे कुछ। तो दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, 50% एटलीस्ट काम हो चुका है इस कैंप का। सो दोस्तों अब इसके ऊपर का हम कवर लगाते हैं, जो रेन प्रूफ होता है, विंड प्रूफ होता है ये है। अभी इसको हम खोल के ऊपर लगाएंगे पूरा, फिर उसके बाद इसका अलग ही लुक आता है, आप देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 90% वर्क हो चुका है इसमें, कवर लगने के बाद कुछ ऐसा दिखता है और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे हम अभी मेटल्स के पैक्स लगाएंगे ताकि ये उड़े ना हवा में।
सो दोस्तों आप देख सकते हो ये पैक्स है इसके, और हमें से ऐसे लगाना है यहाँ पे, चाहे तो आप इसे हाथ से दबा दो, प्रेस कर लो आराम से चला जाएगा। देखिए गाइस ये पूरा विंड प्रोटेक्ट हो गया है। टाइट करने के बाद दोस्तों इसे हम ऐसे लगाएंगे मैट्रेस के पास को, और एक अच्छे से डिस्टेंस पे टाइट कर देंगे, और ये ऐसे लग चुका है फाइनल। सो दोस्तों हमारा टेंट पूरा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे विंड्स के लिए बचाने के लिए कॉर्ड्स लगा दिए हैं, और पूरा हमारा टेंट तैयार हो गया है। चार एक्स्ट्रा पैक्स मिल जाते हैं, कभी कभी खो जाते हैं कुछ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसको हम साइड में रखते हैं। बाकी मैं अंदर का ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं गाइस इसे, और ये इसका दूसरा पार्ट है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। तो दोस्तों मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, काफी अच्छा स्पेस है। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो लगभग सर पे आ जा रहा है लगभग, और यहाँ पे दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस है। और ये ऊपर आप देख सकते हो लाइट के लिए दे रखा, कैंपिंग लाइट यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे कैंपिंग लाइट लग जाएगी। मैं आपको लेट के दिखाता हूँ जरा, यहाँ पे अच्छा खासा एरिया है, फिर भी अभी भी बच रहा है, दोनों आराम जा सकते हैं आप। सो दोस्तों मैंने ये कैंप लिया था डीकैथलॉन से, और ये MH 100 है इस कैंप का नाम, करीबन 2500 का पड़ गया था मुझे, आप डीकैथलॉन के साइट से जाके ऑनलाइन भी ले सकते हो। और ये 2% का टेंट है, 2% इसमें आराम से लेट सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, करीबन 6 फुट के लोग आराम से इसमें आ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी कुछ नई वीडियोज़ के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।